भी आए हुए थे और सीएम सर भी आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके काम को मद्देनजर रखते हुए आपको दोबारा से अब जो हरियाणा सरकार की प्रोजेक्ट जो खुलेंगे ओपन होंगे तो उसमें आपको एडजस्ट किया जाएगा सभी वॉलंटियर्स को। किस तरह का कार्य आप कर रहे थे? सर हमारा काम पुलिस का था, जैसे कि हमारा तो मुखबिर का था जैसे इन्फॉर्मेशन देनी, बट कई बार हमें थाने वगैरह में बुलाया जाता था। सर हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि हर तरह की मदद करते थे सर। 2018 सर आज DGP सर ने हमें ये बात बोली थी, क्योंकि सर अब हर एक बड़ा बड़ा अधिकारी तो मतलब इतना फ्री नहीं है और भी काम है, तो उन्होंने ये बोला था कि आप प्लीज़ एक बार इनसे मिल लेना SP सर से, क्योंकि सर रिपोर्ट जानी है वॉलंटियर्स की। कितनी महिलाएं हैं प्रदेश भर में? सर 1000 के लगभग हैं सर। आज कहाँ कहाँ से पहुंची हैं? सर नारनौल, महेंद्रगढ़ से और करनाल जिले से सर। तो क्या मांग करते हैं? नहीं सर, मांग तो हमने यही रखी हुई थी कि हमें DC रेट पे रखा जाए, बट यही है सर कि चलो जैसा भी है मैं तो यही चाहूंगी कि सेवा का मौका भी मिले सर और कुछ रोजगार मिले कि हमारे घर के कुछ खर्चे भी चल सके, बस यही निवेदन है। हरियाणा भर में कितने लोग हैं? सर 500 के लगभग है। हरियाणा में तो हजार सर, पूरे हरियाणा में तो हजार है सर। हाँ जी हाँ जी सर, मेरा नाम रूबी है। कब हटाया गया था आपको? सर 2018 में। तो पूरा मामला क्या है ये? आप बताइए मैडम, क्या सर ये पायलट प्रोजेक्ट था जो कि 2016 में हमें रखा गया था, 2016 में रखा गया था और 2018 में हमें हटा दिया था। तो कारण क्या था हटाने का मुख्य? सर ये पायलट प्रोजेक्ट बोला ही 2 साल अगर जो मतलब ये था ना, अगर जो स्कीम अगर जो मतलब सक्सेसफुल हो जाती है तो आगे दोगी तो आगे रखा जाएगा। यदि आपको तुमने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा था, इसलिए हमें आगे अब सीएम सर ने कहा है भी तुम्हारी दोबारा से ज्वाइनिंग हो जाएगी किसी भी विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट में, हमें अच्छी जॉब करने का दोबारा मौका मिलेगा, इसलिए हम सीएम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, हमारे काम से इतने खुश हो गए सीएम सर भी, हमें कह रहे हैं अभी दोबारा रखने के लिए, अब देखते हैं क्या होगा। तो अभी आज किससे मिले आप? आज हम जाएंगे SP सर से मिलेंगे। SP साहब से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे आप? ज्ञापन नहीं, वो पता रजिस्ट्रेशन करवाना हमने भाई, यहाँ जितनी कितनी वॉलेंटियर्स थी, पूरे हरियाणा में 1000 वॉलेंटियर्स हैं, तो भाई कौन कितना का अपना एक्टिविटी रहा भाई इसके इस काम के दौरान, तो उस हिसाब से आगे जॉब में रख लिया जाएगा। तो ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से करनाल जिला सचिवालय में आप ये साफ तस्वीरों में देखिए कि अपनी आवाज़ जो है राज्य सरकार तक पहुंचाने की फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है। महिला पुलिस वॉलंटियर्स पहुंची हैं आज करनाल जिला SP से मिलने के लिए पहुंची हैं। इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब रेडा को देखते रहेंगे।